वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे सेकंड सम की वर्किंग की तरफ। आपका सेकंड सम बेटा बोर्ड पर इस प्रकार है। यहाँ पर भी आपको चार अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन विच द फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। सो लीविंग अ लाइन आई विल राइट वर्किंग। And then first I will copy a square plus 10a plus 21। अब क्योंकि बेटा ये एक ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल को हम और आप PSN इस मेथड से सॉल्व करते हैं। So now I will be leaving few space and I will be writing here PSN. P means product, that is 1, which is with a square. A square के साथ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर कौन है? 1. So 1 will get multiplied with positive 21. And the correct answer will be positive 21. Next sum. Sum का मतलब होता है the remaining number, that is positive 10. और अब आपको दिमाग लगाना है और सोचना है मैथ्स में वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 21, और उन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 10। द करेक्ट आंसर इज 3 7 21, 3 plus 7 10। क्योंकि बेटा यहाँ पर both the signs are positive, तो आपको एकदम खुश होकर लिखना है positive 7, comma positive 3। क्योंकि पूरे सम में positive sign है, तो आपके number भी अपने आप क्या हो जाएंगे? Positive। Now let us solve it। A square plus instead of 10a we will write here positive 7a, positive 3a and positive 21 will be brought down। फिर आपको इन दो में से कॉमन ढूंढना है। यहां पर आप कॉमन के रूप में बेटा सिर्फ a देख सकते हो, सिंगल वेरिएबल a, बिकॉज़ यहां पर भी a दो बार है, यहां पर एक बार। सो आई विल राइट हियर a, ओपन ब्रैकेट। हमें चाहिए a दो बार, हमारे पास है एक बार, so one will be written inside, that is 1a plus sign brought down। हमें चाहिए 7, a के साथ कोई भी नंबर नहीं है, so there is 1, 1 multiply by 7 will give you 7, ऊपर एक a चाहिए, already एक a bracket के बाहर है, please close the bracket, plus sign brought down। अब आपको इन दो में से कॉमन ढूंढना है 3a plus 21, 3 and 21 they both are common in 3 का टेबल, so let me write 3 as their common, ब्रैकेट ओपन, प्लस साइन ऊपर प्लस साइन नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, a चाहिए, we will write a plus multiply by plus will again give you plus, 3 multiply by 7 will give you 21। क्या देख सकते हैं आप, a plus 7, a plus 7, so leave a line and write a plus 3 in one bracket, a plus 7 in other bracket and number it as 1, then leave a line and go for this, that is a square plus 6a minus 7, correct? Again this is a trinomial, और trinomial को factorize करने के लिए हम और आप कौन से method का इस्तेमाल करते हैं? PSN। So let me take PSN method once again, PSN। P stands for product, product means 1,
मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 7। अब बेटा मैं बार बार नहीं बोलूंगा वेयर देयर इज नथिंग देयर इज वन, वो अंडरस्टूड हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 7 विल गिव यू आंसर नेगेटिव 7 एंड द रिमेनिंग इज पॉजिटिव 6। लेट मी कॉपी इट एज इट इज। अब आप सोचो वो कौन से दो नंबर हैं मैथ्स में जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आने वाला है 7, बिकॉज प्रोडक्ट में चाहिए 7, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 6। एंड द करेक्ट आंसर टू द आस्क्ड या रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 1 ज़ा। अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 7, और 7 माइनस 1 करोगे तो आंसर आएगा 6। नाउ पे अटेंशन, यहां पर एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो बड़े ध्यान से सम को करना। 7 and 1 5, ये जो साइन होती है बेटा द वेरी फर्स्ट साइन और द साइन विच इज विद द सम, वो हमेशा दी जाती है बड़े नंबर को। और अब आप अपने आप से बात करो, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू माइनस, सो करेक्ट आंसर इज माइनस। यस, अब आप चेक कर सकते हो क्या हमने राइट किया है या रॉन्ग। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव यू माइनस 7, मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 7। व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर नंबर इज नेगेटिव, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ऑलवेज सबट्रैक्ट द नंबर। 7 माइनस 1 इज 6। सब कुछ एब्सोल्युटली करेक्ट किया गया है। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। a स्क्वायर इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव 6a आई विल राइट पॉजिटिव 7a नेगेटिव 1a माइनस 7। आप चाहो तो खाली यहां पर a भी लिख सकते हो बिकॉज़ वी नेवर राइट 1, बट अगर आपने लिखा तो रॉन्ग नहीं दिया जाएगा। देन इनमें से कॉमन ढूंढो बेटा, सो इन दो में क्या कॉमन है, ओनली सिंगल वेरिएबल a, सो लेट मी राइट हियर a ब्रैकेट ओपन। हमें चाहिए a 2 टाइम्स, हमारे पास है a 1 टाइम, सो राइट हियर a प्लस साइन ब्रॉट डाउन। a के साथ है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो अगेन वी विल गेट 7, और चाहिए a एक बार, ऑलरेडी है एक बार, सो ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड माइनस साइन ब्रॉट डाउन। और बेटा 1 और 7 दोनों 1 के टेबल में ही कॉमन पाए जाते हैं, सो लेट मी राइट हियर 1 ब्रैकेट ऊपर माइनस साइन ऊपर माइनस साइन नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, रह गया a, सो राइट हियर a माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल गिव यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 विल गिव यू 7, सो द करेक्ट आंसर इज a माइनस 1 a प्लस 7, दिस विल बिकम योर नंबर 2 करेक्ट। अब बेटा एक लाइन लीव करके लेट अस गो फॉर a स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा तो ये दिखता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा। तो आप सोचोगे सर 1 के साथ तो स्क्वायर ही नहीं है, अरे बेटा 1 का स्क्वायर वापस से क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन आंसर क्या हो जाएगा 1। सो वी विल यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b 1 टाइम a माइनस b अदर टाइम। सो a की जगह पर आ जाएगा a स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा 1, a प्लस b विल बिकम a प्लस 1 एंड a माइनस b विल बिकम a माइनस 1। लेट मी नंबर इट एज 3। और बेटा आपका जो फोर्थ है ना ये आई डोंट नो क्यों आया है, शायद रास्ता भटक गया होगा और इधर आ गया है।
ना इसके पास स्क्वायर है, ना इसके पास कोई ट्राइनोमियल जैसी खूबी है, खाली a प्लस थ्री है। सो ऐसे में कुछ नहीं होता। सो यू विल राइट हियर a प्लस थ्री एंड नंबर इट एज फोर। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाते, ठीक है। अगर ये एक ट्राइनोमियल होता तो सोचते पीएसएन कुछ करने का, कुछ भी नहीं है, खाली a प्लस थ्री। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड की क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा आके बैठेगा तो क्या करेगा, चुपचाप खाली देखता ही तो रहेगा, बिकॉज वो उसकी क्लास ही नहीं है। इन द सेम वे ये पर्टिकुलर बाइनोमियल इस सब में कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रहा, बेचारा आके बैठ गया। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन द वर्क। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द सेम्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड